राजधानी रायपुर के उद्यानिकी भवन में जीएसटी चोरी के मामले को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया। बता दें कि मंत्री चौधरी ने अपने बयान में कहा कि जो भी सरकारी सप्लायर है उनके द्वारा हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग सभी चीजों का रिसर्च कर रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को जहां टैक्स स्कोप है वहां सब टैक्स पे करें, जिससे प्रदेश का विकास होगा। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि अमित शाह जी राजनीति की कितनी गहरी परख रखते हैं उसे पूरा देश ही नहीं दुनिया भी जानती है। पीएससी जांच को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पीएससी में इस परीक्षा की सीबीआई जांच होगी और जांच के लिए केंद्र स्तर पर नोटिफाई हो चुका है, आगे प्रक्रिया को बढ़ाना है। जो भी सरकारी सप्लाई हैं या जो भी विषय हैं, जहां भी जो भी क्षेत्र हैं, सभी जगह हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जीएसटी विभाग सभी चीज़ों का रिसर्च कर रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को जो जहाँ पे जो स्कोप है वो टैक्स सब पे करें, इसी से प्रदेश का विकास होगा, हम अपील भी करते हैं। अमित शाह जी राजनीति की कितनी गहरी परख रखते हैं उसे पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती है और अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है तो बहुत गहराई के साथ विश्लेषण के साथ उन्होंने निश्चित रूप से अपना वक्तव्य दिया है और चार मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं सुनामी है और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि पूरे देश की जनता जनार्दन और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, दुनिया के नक्शे पर भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए 400 पार के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी को नवाजेंगे। पीएससी में जैसा कि चुनाव के पहले भी हमने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत वादा किया था छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को कि इस परीक्षा की सीबीआई जांच होगी और वो सीबीआई जांच के लिए हमारी सरकार बनते ही तत्काल निर्णय ले लिया गया और सीबीआई के जांच के लिए केंद्र स्तर पर भी वो नोटिफाई हो चुका है। आगे सीबीआई को जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और वो काम होगा और जहाँ तक ईसाई भर्ती की बात है वो माननीय न्यायालय में जैसे निर्देश होंगे उसके अनुसार